आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन और आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं अनबॉक्सिंग वीडियो और फर्स्ट इंप्रेशन माइक्रो मैक्स के दो नए हैंडसेट्स के जो आज हुए हैं भारत में लॉन्च। मॉडल है इन्फिनिटी N11 N12, लेकिन इस वाले वीडियो में है थोड़ा सा ट्विस्ट। वो ट्विस्ट ये है कि दोनों फोन जो आज भारत में लॉन्च हुए हैं उसकी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन तो हम देंगे, लेकिन जब भी आप कोई नया हैंडसेट खरीदते हैं कंज्यूमर्स के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके उन्हें आंसर चाहिए होते हैं, जो बार बार लगातार हमारे अनबॉक्सिंग वीडियोस में रिव्यूज़ में कंज्यूमर्स ने हमसे पूछे हैं। आपके दिमाग में भी ऐसे कुछ सवाल होंगे, जवाब हम नहीं देंगे उन क्वेश्चंस का। इसके लिए हमारे साथ होंगे एक स्पेशल गेस्ट। हाय विकास। सो ये हमारे स्पेशल गेस्ट जो आपके सब सवालों का जवाब देंगे, विकास जैन, को फाउंडर माइक्रोमैक्स। सो विकास के साथ Q&A करने से पहले देख लेते हैं एक क्विक अनबॉक्सिंग वीडियो और साथ ही साथ हमारा फर्स्ट इंप्रेशन। हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए प्रेस करें बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक क्विक अनबॉक्सिंग N12 और N11 की। दोनों फोन के बॉक्सेस के अंदर आपको सबसे पहले दिखेगा डिवाइस जिस पे एक स्क्रीन कार्ड लगा हुआ है। उसके अलावा बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा मैनुअल के बाद आपको मिलेगा माइक्रो यूएसबी केबल, साथ ही साथ आपको मिलेगा एयरफोन केबल और साथ ही मिलेगा पावर एडाप्टर और साथ में सिम इजेक्टर पिन। तो अब बारी आती है N11 और N12 का फर्स्ट इंप्रेशन की, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि जब हमने इस डिवाइस का अनबॉक्सिंग वीडियो शूट किया था तब हमें इन दोनों डिवाइसेस के प्राइस के बारे में मालूम नहीं था। तो जो प्राइस डिटेल्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, वहां पर जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन जो हमें मालूम है कि दोनों के दोनों डिवाइसेस एंट्री लेवल स्मार्टफोन रहेंगे। अब आप कह रहे होंगे कि हम N11 और N12 को दोनों को एक साथ ही आपको अनबॉक्सिंग क्यों दिखा रहे हैं। वो इसलिए दिखा रहे हैं कि N11 और N12 दोनों में खाली रैम का फर्क है। जो S12 है वो आता है 3GB रैम के साथ और जो N11 है वो आता है 2GB रैम के साथ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। दोनों फ़ोन का जो डिस्प्ले है 6.18 इंच का डिस्प्ले है, 19:9 एस्पेक्ट रेशो है इसका। इसके अलावा रेजोल्यूशन इसका HD+ है। दोनों के दोनों फ़ोन हीलियो P22 पे बेस्ड हैं और साथ ही साथ दोनों के दोनों फ़ोनों में 32GB इंटरनल मेमोरी है। और अगर बैटरी की बात करें दोनों फ़ोन में 4000 mAh की बैटरी है। अब रुक करते हैं कैमरा की ओर। कैमरा में दोनों कैमरा जो हैं, जो फ्रंट के कैमरा है दोनों फोन डिवाइसेस में वो हैं 16 मेगापिक्सल के, और जो रियर कैमरा सेटअप है वो डुअल सेटअप है दोनों कैमराओं में और वो है 13+5 मेगापिक्सल का। ये फ़ोन बेस्ड है एंड्रॉयड ओरियो पे और ये सपोर्ट करता है फेस अनलॉक फीचर्स, फिंगरप्रिंट और ये दोनों फ़ोन ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल रहेंगे। अब अगर बात करें फ़ोन की डिज़ाइन की, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन लग रहा है क्योंकि जहां तक हमारा अंदाज़ा है ये अंडर सब 10 में ये फ़ोन आएंगे। तो दोनों फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, जबकि दोनों फ़ोन की जो बैक बॉडी है वो है पॉलीकार्बोनेट मटेरियल की बनी हुई है, लेकिन जो इसमें ड्यूल टोन कलर दिया है दोनों फ़ोन्स में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो कैमरा, जो ड्यूल कैमरा रियर सेटअप पे दिया गया है उसमें भी थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए LED और एक कैमरा को एक यूनिट में डाला गया है और उसके अलावा एक कैमरा को अलग से यूनिट बना के दिया है। हमने जब इस डिवाइस का फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ करके देखा हमें काफ़ी फास्ट लगा, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आई। फेस अनलॉक फीचर अभी हमने टेस्ट नहीं किया है। उसके अलावा अगर फ़ोन की UI की बात करें तो काफ़ी स्मूथ UI लग रहा था, हमें कोई परेशानी नहीं आ रही थी। और अगर कैमरा ऐप की बात करें तो कैमरा में हमें पिक्चर्स जितने हमने थोड़े बहुत क्लिक कर पाए हमें पिक्चर्स काफ़ी डिसेंट लग रहे थे, ठीक ठाक लग रहे थे, सेल्फी भी ठीक ठाक लग रहा था हमें। लेकिन हमें कहीं कहीं ऐसा लग रहा था कि बुके के शॉट्स जब ले रहे थे तो पोस्ट प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, मतलब 1-2 सेकंड ज़्यादा लग रहा था। इस बार में हमने माइक्रोमैक्स से बात की, उनने कहा कि आपके पास जो डिवाइस है वो टेस्ट यूनिट आया है, इसमें थोड़े दिनों में ही एक अपडेट आएगा और उसके बाद सभी चीज़ें जो प्रॉब्लम आपको दिख रहा था वो सॉल्व हो जाएगा और जो कंज्यूमर्स के पास जो फ़ोन जाएगा उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि उनके पास अपडेटेड सॉफ्टवेयर के साथ ये फ़ोन आएगा।
यहाँ पर एक और चीज बताना चाहेंगे कि ये दोनों फोन्स में नॉच है, लेकिन अभी जो फोन हमारे पास है उनमें हम नॉच को ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन जब हमने माइक्रोमैक्स से पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बोला इसका भी अपडेट आ रहा है, जो इमिजिएटली अभी एक अपडेट आने वाला है उसमें आपके पास फंक्शनैलिटी मिल जाएगी, अगर आप चाहें तो नॉच को ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा डिवाइस काफ़ी 4000 मिली एम्पियर बैटरी के साथ आ रहा है, लेकिन फिर भी हल्के डिवाइस है दोनों, ऐसे लग नहीं रहा है कि हम कोई भारी डिवाइस हाथ में लेके घूम रहे हैं। और इस डिवाइस में फास्ट चार्जिंग नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस प्राइस रेंज में कोई भी कॉम्पिटिटर इस टाइम पे फास्ट चार्जिंग नहीं दे रहा है। तो अच्छी बात यह है कि 4000 मिली एम्पियर की बैटरी है, जिससे आपका एक से डेढ़ दिन बड़े आराम से निकलने की उम्मीद है। इसके साथ हमारा फर्स्ट इंप्रेशन तो यहीं समाप्त हो गया, लेकिन अब बारी है विकास से डायरेक्ट क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर लेने की। विकास, बड़े टाइम का दो फोन आपने लॉन्च किए और दिखने में काफी अच्छे दिख रहे हैं, डिजाइन वाइज देयर अट्रैक्टिव। सो विकास, सबसे पहला क्वेश्चन, आपका फोन आ रहा है एंड्रॉयड ओरियो पे, पाई अपडेट आएगा इन दोनों फोनों में? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है संदीप, एंड आई एम श्योर कि हमारे सारे कस्टमर्स के लिए भी ये एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन होगा। तो बिकॉज अभी हमारी टीम ऑलरेडी पाई के ऊपर, इंटीग्रेशन के ऊपर काम कर रही है, थोड़ी सी स्टेबिलिटी में टाइम लग रहा है, तो हमने ये बहुत उचित नहीं समझा कि फ़ोनों के लॉन्च को और डिले करा जाए। तो फ़ोन लॉन्च ओपे हो रहे हैं, बट अगले 45 से 50 दिन के अंदर इसके ऊपर पाई का अपडेट आ जाएगा और वो सारे के सारे कस्टमर्स को उनकी चॉइस के ऊपर ऑफर किया जाएगा। अगर कोई कस्टमर नहीं चाहता तो उसका अपडेट नहीं होगा, बट जितने भी कस्टमर विलिंगली अपनी कंसेंट देंगे अपग्रेड के लिए, उनको ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। सो ओवर द ईयर जनवरी में अपडेट रिलीज होगा पाई के लिए। जी, इंटरेस्टिंग। दूसरा, आपने दोनों फोनों में एआई की काफी बात की है कि एआई एनेबल्ड फोन है दोनों के दोनों, N11 और N12। एआई इसमें क्या क्या चीजें कर पा रहा है? सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब हम लोग एआई की इंटीग्रेशन की सारी बात कर रहे थे संदीप, तो जो कस्टमर है उसकी एक बहुत ज़्यादा उपेक्षा, एक्सपेक्टेशन रहती है कैमरा से अभी जी, एक मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो इसके कैमरे के अंदर आप जब एआई को स्विच ऑन कर लेते हैं जी, तो आप जिस तरह की फ़ोटो खींचेंगे आपको उसमें ऑप्टिमाइजेशन अपने आप मिल जाएगा। मतलब मैं बहुत ही एक लेमैन की तरह से समझाना चाह रहा हूँ, रादर देन गेटिंग इनटू टेक्निकल्स, तो टेक्निकल्स बहुत कन्फ्यूजिंग भी हो सकते हैं। तो जब आप एक फ़ोटो को खींचते हैं एआई ऑन करने के बाद, और एक सेम फोटो को आप विदाउट एआई जब खींचते हैं, तो उसके रिजल्ट्स में ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है। हमारा बहुत सिंपल मानना है कि सारे लोग बहुत सेटिंग्स को बहुत अच्छी तरह यूज नहीं कर सकते, तो उनको एक ऑप्टिमल मिक्स ऑफ एक्सपोजर, शार्पनेस, कंट्रास्ट, शायद हर फोटो में एडजस्ट करने में टाइम भी लगेगा। कैमरा निकाले, पिक्चर को फोकस करें, बेसिकली क्लिक एंड शूट एंड रेस्ट एआई टेक्स केयर। राइट, आपने इसमें यूज़ किया हीलियोस P22, कभी दिमाग में आया कि स्नैपड्रैगन भी यूज़ कर सकते हैं? देखिए, जब भी हम कोई भी फ़ोन लॉन्च करते हैं सो उसकी पूरी की पूरी इंटीग्रेशन होती है, उसमें प्रोसेसर, मेमोरी, स्क्रीन साइज, बैटरी, हर चीज़ की बात होती है। और जाहिर सी बात है, जब आपके पास तीन बहुत बड़े ब्रांड्स हैं जो आज की डेट में प्रोसेसर देते हैं, सो इट विल ऑलवेज बी अ चॉइस बिटवीन द थ्री ब्रांड्स। और फ्रॉम अ ब्रांड परस्पेक्टिव हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, ऑप्टिमल कॉस्ट वाला सोल्यूशन कस्टमर को दे। यहाँ पे मैं आपको ये बात करूँगा कि अगेंस्ट द प्रोसेसर इन द सेम डोमेन, एक सिमिलर प्राइस पॉइंट, सिमिलर कैपेबिलिटी के अंदर, जो हीलियो P22 का Antutu स्कोर है वो आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वॉट माई टीम टेल्स मी, इसका Antutu स्कोर करीब 78,000 प्लस है जी। सो अगर आप कंपेरेबल हैंडसेट्स में देखेंगे, आई वुड नॉट लाइक टू से कि कौन से दूसरे प्रोसेसर का कितना स्कोर है जी, बट अगर आप कंपेरेटिव देखेंगे इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट सुपीरियर वन। इन फोनों में स्टॉक एंड्रॉयड यूज़ किया गया है या आपका अपना UI यूज़ किया गया या फोक्ड एंड्रॉयड OS यूज़ किया गया है? सो स्टॉक एंड्रॉयड है, उसके ऊपर कपल ऑफ एनालिटिक्स लेयर जो हैं वो डली हुई हैं, वो अगेन AI की वजह से हैं। ग्रेट, अगला क्वेश्चन उठता है कि आपने इसमें जो ग्लास है, ग्लास कौन सा यूज़ किया है? इसके अंदर हार्डनेस प्रोटेक्शन ग्लास है, उसका ग्रेड मैं आपको सब्सिक्वेंट उसके अंदर बता दूंगा।
अब अगला क्वेश्चन आता है कि आपने जैसे AI की बात की, कैमरा की बात की, तो आप सबसे पहले तो ये बताइए दोनों कैमराओं में लेंसेज कौन से हैं, आगे भी और पीछे भी? पीछे तो आपके डुअल कैमरा है जी, लेंसेज कौन से हैं? सो इसके अंदर सैमसंग के कैमरा है, लार्गन का लेंस है जी, एंड वन ऑफ द, एज अगेन आई सेड, वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है, एंड आई एम श्योर कैमरे पे स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर कस्टमर की डिलाइट बहुत ज़्यादा होने वाली है। राइट, सो दोनों सैमसंग के लेंसेज रेयर में भी और फ्रंट में भी जी, परफेक्ट। अब अगला क्वेश्चन ये है कि आपका N11 है 2GB रैम के साथ आता है, N12 आता है 3GB रैम के साथ, 4GB का भी कोई प्लान है? एज ऑफ नाउ नहीं है, बट अगर पॉपुलर कस्टमर चॉइस से अगर वो लगता है चाहिए तो वी वुड नॉट माइंड ब्रिंगिंग इट अप। राइट, ये फ़ोन ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल होंगे, ऑफलाइन ही क्यों? देखिए, अगर हम एक भारतवर्ष की बात करते हैं, वाइल मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑनलाइन ने बहुत अच्छी ग्रोथ करी है पिछले 3-5 साल से, बट अगर हम रियली एक कस्टमर के लिए लुक एंड फील वाली डिवाइस की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि टाइम जो एड्रेसेबल मार्केट है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। हैविंग सेड दैट, फ़ोन ऑनलाइन पे भी अवेलेबल होगा, बट एक्सक्लूसिव ऑनलाइन नहीं होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांड आज की डेट में एक्सक्लूसिव ऑनलाइन देते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर इंटेंशन ये रहती है बहुत ही अच्छी सी प्राइस पे फ़ोन को निकाल दिया जाए, बट आई थिंक अगर हम एक रिटेल कवरेज की बात करें, माइक्रोमैक्स हमेशा से एक बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांड रहा है, तो हमें अपने रिटेलर और अपने चैनल के लिए ये प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। राइट, दोनों फ़ोनों में आपने माइक्रो USB पोर्ट दिया है जी, आपके दिमाग में अगर ख्याल नहीं आया कि इसमें टाइप सी दे दूँ? सो बिल्कुल ठीक कहा आपने, टाइप सी के बारे में भी बहुत सारी डिस्कशन हुई थी। देखिए, टाइप सी में ऐसा नहीं है कि एक फ़ोन में टाइप सी डालने से कॉस्ट बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, फ़र्क पड़ता है बट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हमें ये लगता है अभी भी टाइप सी के स्पेयर पार्ट्स थोड़े से अंडर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अगर आप देखेंगे बहुत सारे फ़ोन अक्रॉस प्राइस पॉइंट अभी भी माइक्रो USB पे ऑफ़र हो रहे हैं, ये कैपेबिलिटी का इशू नहीं है किसी भी फ़ोन की, ये चॉइस होती है, और ये जैसे जैसे आपका जो टाइप सी का डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेयर्स का वो बेटर हो जाएगा, आप बहुत सारे फ़ोनों में देखेंगे टाइप सी जाएगा। राइट, आपके इसमें दो डेडिकेटेड सिम स्लॉट हैं और साथ में माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी है जी. तो क्या दोनों सिम डुअल स्टैंडबाय डुअल वोल्ट ही सपोर्ट करते हैं? 2018 एंड का फ़ोन है तो जाहिर सी बात है बिल्कुल फीचर्स सारे ऐसे होंगे जो अभी के लिए रेलेवेंट है, तो दोनों फ़ोन के ऊपर अगर मैं लेमन टर्म्स में बोलूं, आप अगर एक रिलायंस जियो का सिम यूज़ करेंगे और किसी दूसरे ऑपरेटर का फ़ोन सिम यूज़ करेंगे जी, तो दोनों ऑपरेटर लास्ट ऑन रहेंगे। आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि रिलायंस जियो एक्टिव है तो दूसरा ऑपरेटर एक्टिव नहीं है, दूसरा ऑपरेटर एक्टिव है तो रिलायंस जियो एक्टिव नहीं। राइट, दोनों फ़ोन N11 N12 की बॉडी क्या है, प्लास्टिक, ग्लास या मेटल? सो इस पर स्पेशल ट्रीटमेंट करी गई है, इसके पीछे ऑब्वियसली पॉलीकार्बोनेट है बट उसके ऊपर ट्रीटमेंट करके उसका डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया है। इंटरेस्टिंग, N12 में हमारे पास और कौन कौन से कलर ऑप्शन हैं? इसमें 3 कलर हैं जी, जो आपके हाथ में लगून ब्लू है जी, इसके अलावा उसका वेलवेट रेड है और तीसरा कलर वॉयला है, तो 3 कलर में लॉन्च होगा। और N11? N11 अभी सिर्फ ब्लैक कलर में है बट आने वाले टाइम में इसमें भी एक कलर और ऐड होगा। राइट, अब मेन चीज़ आ जाती है कि इस टाइम पे आपने फ़ोन मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, सर्विस सेंटर्स में कुछ सुख बुखार दिखी या उसमें कुछ आपने चेंजेस किए हैं ताकि कस्टमर्स को कोई इशू आए इस फ़ोन के साथ तो जल्दी हो जाए, चाहे अपडेट्स का हो या कोई भी हैंगअप इशूज़ आए? सो देखिए, जहाँ तक अपडेट की बात है, अपडेट तो मैंने आपको बताया ऑटोमेटिक होगा जी. जैसे ही कस्टमर उस फोटा को अगर एक्सेप्ट करेंगे तो उनका ऑटोमेट अपडेट हो जाएगा, सो उसके अंदर कस्टमर को कुछ नहीं करना पड़ेगा। रही बात सर्विस सेंटर की, तो अभी भी हमारी रीच सर्विस सेंटर की बहुत ही अट्रैक्टिव है, वी हैव मोर देन 1000 सर्विस सेंटर्स विच आर ऑलरेडी देयर इन द मार्केट एंड दे आर केटरिंग टू इट। डिस्ट्रीब्यूशन प्लान क्योंकि ऑफलाइन है तो हमें पता है कहाँ पे हम बेचना चाह रहे हैं, सो डेफिनेटली स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी विल ऑल्सो बिकम बेटर, तो हमें उम्मीद है कस्टमर के लिए हम वो एक्सपीरियंस दे पाएंगे। पहली बात तो सर्विस सेंटर जाना ही बहुत कम पड़ेगा, बट अगर जाना पड़ेगा तो उसका एक्सपीरियंस अप्रोप्रिएट रहेगा, हम भी इस चीज़ के बड़े माइंडफुल हैं कि कस्टमर एक्सपीरियंस एट द टाइम ऑफ आफ्टर सेल्स हैज टू बी इवन बेटर देन द कस्टमर एक्सपीरियंस एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ द फोन।
थैंक्स विकास, आपने हमारे सब क्वेश्चनों का जवाब दिया, मजा आया आपसे बात करने में, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू संदीप। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ये वाला इंटरव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियो, फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो सब खत्म होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे या कुछ कमेंट्स नहीं होंगे, जो भी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और हमें बताइएगा कि हम आपके कैसी मदद कर सकते हैं, या आपके कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर हम आप तक पहुंचा सकते हैं। सो टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, गुड बाय।